शीरखार बच्चों के पाखाने के मसाइल। हमसे अक्सर इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, मिसाल के तौर पर कि मेरा बेटा 16 दिन का है, 2 दिन से सब्ज रंग का पाखाना कर रहा है, क्या करना चाहिए? या मेरी बेटी 1 महीने की है, 4 दिन में 1 दफा पाखाना करती है, कोई दवाई बता दें। दोस्तों, शीरखार बच्चे के वालिदैन होने की हैसियत से अक्सर बच्चे के पेट और पाखाने के मसाइल आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। माएँ अक्सर अपने नौनिहालों के पाखाने की हियत, रंग और दौरानिए से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल लेकर मुआलिज के पास आती हैं। इस ज़मन में वालिदैन को ये बात जाननी चाहिए कि बच्चे के पेट, निज़ाम हाजमा और निज़ाम अखराज के बारे में बहुत ज़्यादा बातें अगर आपको पता नहीं भी हैं तो चंद बुनियादी बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। बच्चे के नॉर्मल पखाने कैसे होते हैं, इसके औकात और दौरानिए कैसे होते हैं, बच्चे में कब्ज़ और दस्त यानी लूज़ मोशन कैसे होते हैं, इनसे बचाव और लूज़ मोशन के इलाज के लिए घरेलू टोटके क्या हैं, ये सब हम आपको आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बच्चे के नॉर्मल पखाने की बात करते हैं। पैदाइश के बाद पहला शदीद सब्ज रंग का पखाना होता है। ये इतना गहरा सब्ज होता है कि देखने पर स्याह नजर आता है। पहले 2 दिन में ये सब्ज या पीले रंग में बदल जाता है। इसके बाद ये पालक या साग के सब्ज रंग यानी डार्क ग्रीन कलर के अंदर या सरसों के फूल के रंग की तरह पीला हो सकता है। अगर रंग की बात की जाए तो इन 2 रंगों के दरमियान किसी भी रंग का पखाना नॉर्मल होता है। इससे अगली बात यह है कि बच्चे के पाखाने के औकात और पाखाने का दौरानिया बहुत सी वजूहात की बिना पर तब्दील होता रहता है। एक बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सी जिस्मानी तब्दीलियों से गुजरता है। एक नौमौलूद बच्चा दिन में तकरीबन 4 से 5 बार पाखाना करता है। ये एक कुदरती अमल है जिसके तहत नौमौलूद बच्चा जैसे ही कुछ खाता है उसका निज़ाम हजम फौरन काम करना शुरू कर देता है और उसकी बड़ी आंत आने वाली खुराक के लिए जगह बनाने के लिए तेज़ी से हरकत करती है और इस बिना पर बच्चा ज़्यादा दफ़ा पाखाना करता है। बड़े होते होते पाखाना करने के दौरानिए में इजाफा होता जाता है क्योंकि बच्चे के खाना खाने के दौरानिए को हम लोग बढ़ता हुआ देखते हैं। इस तरह 2 साल की उम्र तक का बच्चा दिन में महज 1 बार पाखाना करता है। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तादाद और मुख्तलिफ दौरानिए में पाखाना खारिज करते हैं। हो सकता है कि एक बच्चा दिन में 2 दफ़ा पाखाना करता हो जबकि उसका हम उम्र बच्चा दूसरा जो बच्चा है वो हफ्ते में 1 ही दफ़े पाखाना खारिज करता हो। ऐसी सूरत हाल में मवाजने की बजाय कुछ बुनियादी बातों और अलामात का ध्यान करना ज़रूरी है। बच्चे की खुराक बच्चे के पाखाने के दौरानिए पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। बच्चे की इब्तदाई खुराक माँ का दूध जूद हजम होता है और बच्चे को पेट के बेशतर मसाइल से महफूज रखता है। फार्मूला दूध और उम्र के अगले अदवार में दी जाने वाली ठोस खिजा माँ के दूध से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से फार्मूला दूध पीने वाले और ठोस खिजा खाने वाले बच्चों में पाखाने का मुख्तलिफ दौरानिया होता है। अगर बच्चे के पाखाने के रंग में कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं है तो बच्चा मामूल के मुताबिक खा पी रहा है और बच्चे का पेट सख्त नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं। अगर नौमौलूद या शीरखार बच्चे 1 हफ्ते तक पाखाना न करें या हवा खारिज न करें या फिर इसके अलावा मामूल से ज़्यादा पतला पाखाना बार बार करें तो ये वाकई फिक्र की बात है। इसके अलावा चंद दीगर अलामात अगर देर तक रहें तो ये कब्ज़ या दस्त की निशानदेही करती हैं और ख़तरनाक भी हो सकती हैं। कब्ज़ की सूरत में मंदरजा ज़ैल अलामात बाइस तशवीश हो सकती हैं। पाखाना करते हुए तकलीफ़ का होना, हफ्ते में कम अज़ कम 1 बार पाखाना ना करना, पाखाने का सख्त और मामूल से ज़्यादा मकदार में होना, पाखाने में खून आना, पेट में दर्द होना और पेट सख्त होना, दूसरी तरफ लूज मोशन यानी दस्त या इसहाल की सूरत में एक और अलामत का सीक्वेंस है जो कि खतरे की घंटी बजा सकता है। छोटे बच्चे का अपनी खुराक से ज़्यादा दफ़ा पाखाना करना, मसलन अगर बच्चा 6 दफ़ा दूध पीता है तो 6 दफ़ा से ज़्यादा पाखाना करने को दस्त या इसहाल समझा जाएगा। पाखाने की हियत पानी की तरह पतली हो जाना, तय करना, बुखार होना, पाखाने में खून आना, पानी की कमी होना और बच्चे का ढीला पड़ जाना, मामूल से कम या बिल्कुल कुछ ना खाना, दोनों सूरतों में घबराने के बजाय कुछ बरवक्त और असरंगेज इकदामात ना सिर्फ बच्चे की सेहत के जामिन होते हैं बल्कि नन्हे फरिश्तों को जानलेवा सूरत हाल से बचाते भी हैं। हम आपको कुछ घरेलू टोटके बताते हैं जिनसे आप अपने बच्चे की इस ज़मन में मुनासिब देखभाल कर सकते हैं। कब्ज़ की शिकायत में 6 माह से बड़े बच्चे को ताज़ा फल और सब्जियों का खिलाना या ताज़ा फलों का जूस पिलाना मुफीद हो सकता है साबित। 3 से 6 माह के बच्चे को शक्कर या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल एक आजमूदा घरेलू टोटका है जो पानी को आंत में रोककर पाखाने को नरम करता है।
बच्चे की टांगों को ऊपर उठाकर साइकिल की तरह हरकत देना या पेट के निचले हिस्से की हल्की मालिश या मकाद की ग्लिसरीन से हल्की मालिश करना बच्चे को आरामदेह तरीके से पखाना खारिज करने में मदद देते हैं। लूज मोशन का इलाज ये है कि इसकी सूरत में बच्चे को माँ का दूध पिलाना जारी रखिए, कहे की सूरत में थोड़ा मगर बार बार दूध जरूर पिलाते रहें। पानी की कमी से बचाने के लिए बच्चे को निमकोल पिलाएं। अगर बच्चा कोई खास फॉर्मूला दूध पीता है तो कब्ज या दस्त की सूरत में मुआलिज से मशवरा करके इसे तब्दील करना भी शिकायत का अजाला कर सकता है। 6 महीने के बाद साफ पानी का इस्तेमाल बच्चे के मैदे और आंत के लिए बेहतरीन है और इसे पेट के मसाइल से अमूमी तौर पर महफूज और सेहतमंद रखता है। अगर कब्ज या दस्त की परेशानी मुसलसल 2 हफ्ते तक जारी रहती है तो मुआलिज से राब्ता करना मजीद पेचीदगी से बचा सकता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा कह कर रहा है या उसके पाखाने में खून आ रहा है, बच्चा मुसलसल रो रहा है, दूध नहीं पी रहा और उसके वजन में नुमाया कमी देखने में आ रही है तो फिलफौर मुआलिज को दिखाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, आपके नौनिहाल की जिस्मानी और जहनी सेहत का दारोमदार उसकी खुराक के बेहतरीन हजम होने पर है। बच्चे के निजाम हजम का ख्याल रखिए, इसे कब्ज और दस्त से बचाइए और इसकी सेहत के जामिन बनिए। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज और चैनल देखते रहिए। आपका अपना बच्चों का डॉक्टर।